हेलो फ्रेंड, मैं विकास, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, रिलायंस कैपिटल एंड रिलायंस पावर, ये दोनों ही अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज हैं और अब इन दोनों कंपनी पर दिक्कत आ रही है, तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिलायंस कैपिटल, इसको जो है यहाँ पर NCLT में इसकी दिवालियापन यानी कि इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है, और वहीं अगर हम आर पावर की बात करें, रिलायंस पावर की, तो ये भी जो है अपने इंटरेस्ट पेमेंट पे यहाँ पर डिफॉल्ट कर चुकी है। इन्होंने अपने फाइलिंग के जरिए किया है, रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए ये बताया है। तो यहाँ पर इनका जो अगर हम जो डिफॉल्ट हुआ है, तो यहाँ पर IDBI बैंक, जिससे इनका जो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है वो लगभग 42 करोड़ रुपए का है, जिसमें इंटरेस्ट अमाउंट 0.44 करोड़ रुपीस का है, उस पर यहाँ डिफॉल्ट हुआ है। उसके साथ ही DBS बैंक का जो इनका अकाउंट अमाउंट है 113 करोड़ रुपए का, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और इंटरेस्ट है 1.17 करोड़ का, यहाँ पर इस पर जो है डिफॉल्ट हुआ है। तो इस तरह से जो है आर पावर पे भी अब जैसे इन्होंने डिफॉल्ट किया है, तो हो सकता है कि ये खतरा मंडरा रहा है कि इसे भी इंसॉल्वेंसी के लिए आगे लेके जाए। पर अभी जैसे अगर हम बात करते हैं कि रिलायंस कैपिटल, जिसका ऑलरेडी NCLT में 2 दिसंबर को RBI ने एप्लीकेशन दे दी है, NCLT में इसकी जो है CIRP यानी कि कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दे दिया गया है, तो अब इसकी ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा शेयर धारक अभी भी जो है इस शेयर के पीछे पड़े हैं, और लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर खरीदारी करके रखी हुई है। आगे हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डर पैटर्न पर भी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2005 में जब यहाँ पर अंबानी बंधुओं का ये जो बिजनेस है वो स्प्लिट हुआ था 2005 में, उस स्प्लिट में जो अनिल अंबानी ने सिलेक्ट किया था वो किया था टेलीकॉम बिजनेस एंड फाइनेंस सर्विसेज को लेकर, यहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ें चुनी थी। और अगर हम देखें तो 2010 में अनिल अंबानी ने कहा था कि हमेशा हमारा उद्देश्य रहा है एक वर्ल्ड क्लास बैंक बनाने का, ये बात उन्होंने 2010 में जो है कही थी। और 2021 में RBI ने जो है उनकी कंपनी, जो कि एक NBFC कंपनी है रिलायंस कैपिटल, उसे जो है अब NCLT की ओर या NCLT कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। तो अच्छा हुआ कि कोई बैंक का उन्हें लाइसेंस नहीं मिला था, बट जैसे कि अभी यहाँ उनकी NBFC की हालत खराब चल रही है, और क्यों चल रही है ये भी हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि इन्होंने 2 सेक्टर चुने थे, टेलीकॉम सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अब यहाँ आगे रिलायंस कैपिटल की सब्सिडरी है रिलायंस होम फाइनेंस। ऐसा लगता है कि ये जैसे कि होम फाइनेंस है, तो जो छोटे कस्टमर्स हैं उनके लिए जो पर्सनल होम है उनको, यानी कि मकान बनाने के लिए या इस तरह के जो है फाइनेंस के लिए होगा। बट इसके इसके अतिरिक्त कंपनी ने जो किया वो किया कि इन्होंने कॉरपोरेट्स को लोन दिए, और वो भी इंटर कॉरपोरेट कंपनीज को लोन दिए हैं, यानी इंटर कॉरपोरेट लोन दिए हैं इन्होंने। और ये जो लोन थे ये 50% से भी ज़्यादा लोन इन्होंने अपनी खुद की कंपनीज को दिए थे, और ज़्यादातर जो लेंडिंग थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर में थी। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ अब एक डोमिनोज इफेक्ट आता है कि अगर, क्योंकि इन्होंने जो कर्ज दिया रिलायंस होम फाइनेंस ने वो अपनी ही कंपनियों को दिया, और एक बार अगर इनकी कंपनी ने डिफॉल्ट करना चालू किया तो उसका असर हर इनके जो जितने भी कंपनीज हैं उन पर पड़ना चालू हो गया, क्योंकि एक कंपनी के डिफॉल्ट करने से दूसरी कंपनी को असर पड़ा, और फिर उसके बाद जो रिलायंस कैपिटल जिसने रिलायंस होम फाइनेंस जिसने फाइनेंस किया था उसको भी असर पड़ा, और इसके बाद जो है रिलायंस कैपिटल भी जो है दिक्कत में आती गई। तो एक तरह से ये जो है डोमिनोज इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। और जब इन्होंने, इनकी जो कंपनी है आरकॉम एंड रिलायंस इंफ्रा, वो फेल होना यानी कि उनकी डिफॉल्ट करना चालू किया, और उसके बाद से ये जो है इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने पड़ गई, क्योंकि इनकी खुद की कंपनियां डिफॉल्ट कर रही थी और इन्होंने ही इन कंपनियों को फाइनेंस किया हुआ था, तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और अब कहीं ना कहीं ये हालत, क्योंकि अब जो है रिलायंस कैपिटल जो है वो NCLT में पहुंच चुकी है, और अगर इसका रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है, अगर उसके जरिए जो रेजोल्यूशन आता है वो अगर DHFL जो कि एक NBFC थी पहले उसके जैसे आया, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स को फिर से बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। क्योंकि जब DHFL की इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रही थी तब भी जो है बहुत से इन्वेस्टर को लग रहा था कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इस कंपनी में, और फिर से वो यहाँ पर एक बहुत तगड़ा रनअप देखने को मिलेगा, और एक हफ्ते या एक दिन में ही वो करोड़पति बन जाएंगे, इस तरह का जो है वहाँ पर चल रहा था। बट
आखिरी में हुआ ये कि जो लेंडर थे उनको ही 60 से 70% का कट ऑफ देखने को मिला, और जो शेयर होल्डर्स थे उनका तो पूरा जो अमाउंट है वो वाइप आउट हो गया था, राइट ऑफ कर दिया था कंपनी ने। तो यहाँ पर अगर इस तरह का रेजुलेशन आ जाता है रिलायंस कैपिटल के लिए भी, तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो काफी दिक्कत में होंगे, क्योंकि आगे चलकर जो सबसे पहले जिनको पे आउट दिया जाता है वो लेंडर्स को दिया जाता है, और जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो सबसे आखिरी में होते हैं। अगर हम एक रेड फ्लैग की बात करें तो यहाँ पर कंपनी जो इन कंपनियों में पहले ही रेड फ्लैग आ गया था। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो जो प्रमोटर की स्टेक है वो काफी तेजी से घट रहे थे, और ये एक रेड फ्लैग था। अगर हम जून 2018 में प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 52.23% की थी और पब्लिक होल्डिंग 47.14 की थी, ये जून 2018 की बात है। वहीं मार्च 2019 आने तक प्रमोटर की होल्डिंग घटकर 47.48% की हो गई थी और पब्लिक की होल्डिंग जो थी वो 51.88% की हो गई थी। उसके बाद दिसंबर 2000 यानी मार्च 2019 से दिसंबर 2019 तक जो है बहुत जबरदस्त यहाँ पे गिरावट आई। प्रमोटर की होल्डिंग कम होकर 33.51% की हो गई थी और पब्लिक होल्डिंग जो है 65.85% चली गई। उसके बाद मार्च 2020 में ये बहुत ड्रास्टिकली डाउन हुई है, और मार्च 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग जो रह गई वो 1.51% की मात्र रह गई है, और पब्लिक के पास लगभग 97.85 यानी 97.85% जो शेयर पड़े हुए हैं। और अगर हम सितंबर 21 की भी बात करें तो वो भी जो है सेम है, प्रमोटर के पास 1.51 है और पब्लिक की शेयर होल्डिंग लगभग 97.85% की है। तो इस तरह से इतने ज्यादा जो है यहाँ पर इंडिकेशन मिले हैं कि इस तरह की कंपनी है जो जिन पे कॉरपोरेट के पर सवाल उठ रहा हो, प्रमोटर्स कंटिन्यू अपने सेल ऑफ कर रहे हो, स्टेक डाउन कर रहे हो, इस रेड फ्लैग के बाद भी जो है पब्लिक जो है इस शेयर को खरीदती गई, और जो है रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा इसमें होंगे, और अब जो है ये स्टॉक लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मार रहा है। तो बट अभी भी हो सकता है कई लोग इसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हो रहे हो, कि हो सकता है उनको अभी भी एक होप हो कि शायद इसमें जो है आगे अच्छा रेजुलेशन आ सके। बट पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन देखे तो मैं इस तरह के स्टॉक्स को टोटल अवॉइड करता हूँ, और को आशा करता हूँ कि जो अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर है वो इस तरह के स्टॉक्स पे ना जाएं। बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपना एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर। ये था एक अपडेट जो रिलायंस कैपिटल की एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसेस चालू हो गई है, और किस तरह से आर पावर ने दो बैंकों के डिफॉल्ट किया है। अभी आर पावर का तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट जो एनसीएलटी पे रिलायंस कैपिटल की जो एनसीएलटी में ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दी गई है सीआईआरपी के लिए, जो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग, और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी इस पे जो भी डेवलपमेंट होंगे या जो भी अपडेट आएंगे उसके रिगार्डिंग भी मैं जो है आपको जानकारी देता रहूंगा कि इस पे क्या रेजोल्यूशन हो आ रहा है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।